हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन वडी विकास मैथ अकेडमी। स्टूडेंट, आज स्टूडियम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2A को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो आपका चैप्टर 2 है, एक्सपोनेंट। ठीक है, प्रीवियस स्टूडियो में हमने क्या कराया था, इसके जो कॉन्सेप्ट है जिसमें हमने बताया था एक्सपोनेंट क्या होता है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है, और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व कराया था। वो वीडियो अगर देखे हैं तो ये एक्सरसाइज अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जाके उसको देखिए पहले, उसके बाद से इस एक्सरसाइज को सॉल्व करिए, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट उसमें मैंने अच्छे तरीके से बताया है, पूरा बेसिक से। बात समझ में आ रहा है, तो उसको एक बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। छोटा ही वीडियो है, 20 या 23 मिनट का वीडियो है, तो उसको देख के इसको सॉल्व करेंगे तो खुद से आप सॉल्व कर लेंगे, मेरे गारंटी है कि आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, इतना अच्छा तरीके से समझाया उसे। ठीक है, आते हैं एक्सरसाइज 2A पे। पहला क्वेश्चन दिया है इवैल्यूएट, इवैल्यूएट मतलब वैल्यू फाइंड आउट करना कोई भी चीज़ का। पहला क्वेश्चन दिया है 4 to the power -3। तो हमने बोला था जब भी पावर निगेटिव हो तो क्या करिएगा, उसको पॉजिटिव में करके उसके बाद सॉल्व कर दीजिएगा, काम खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर में पॉजिटिव करने के लिए क्या करते थे, उसको हम रेसिप्रोकल कर देते थे। अगर इसका रेसिप्रोकल कर देते तो पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 4 to the power -3 मतलब क्या, कुछ नहीं है, नीचे तो 1 है आपका, 4/1 to the power -3 है कि नहीं है। तो इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/4 to the power 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 1 का पावर कुछ भी करेंगे, कितना भी पावर करेंगे, क्या आएगा, वैल्यू 1 ही रहेगा। तो 1/4 to the power 3 का मतलब क्या, 1/4 का 3 बार गुणा, 3 बार मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 × 1/4 × 1/4। ओके, तो 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 1/64। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये बातें समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, दिया है 2/5 to the power -5 दिया है, पावर इसका -5 दिया था। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, वही बात है, जब पावर निगेटिव में हो तो पॉजिटिव करेंगे तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। और 1/2 to the power -5 का अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं, -5 का रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा, बस 2 to the power 5 आ जाएगा। ओके, तो 2 to the power 5 का मतलब क्या, 2 का 5 बार गुणा इस तरीके से। तो 5 बार जब गुणा कराएंगे तो ये रिजल्ट क्या आएगा, 32 आ जाता है, 32 आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, 4/3 to the power -3 दिया गया है, 4/3 to the power -3। तो इसको पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, बेस का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब पलट देना। तो ये 4/3 है तो क्या आ जाएगा, 3/4 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 4/3 का, तो देखिए 3/4 to the power 3 का मतलब क्या, इसका मतलब कि 3/4 का क्या, 3 बार गुणा, 3/4 × 3/4 × 3/4। तो इसको गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा ना, 3/27/64, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि बातें समझ में आया होगा। नेक्स्ट -3 to the power -4, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, -3 to the power -4, पावर क्या है आपका निगेटिव में है, तो इसको पॉजिटिव में करने के लिए क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो ये 1/-3 to the power 4, इसका 4 बार गुणा कराइए, तो जब 4 बार गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। यहाँ पे -1/3 × -1/3 × -1/3 × -1/3, तो इसका मतलब क्या, -× -पॉजिटिव फिर -× -पॉजिटिव हो जाएगा। 3×9 = 87, मतलब 1/81 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा जब मल्टीप्लाई कराएंगे। तो आई होप कि ये बातें समझ में आए होंगे, चारों क्वेश्चन अच्छे तरीके समझ में आएंगे। एक क्वेश्चन छोड़ देता हूँ जो क्वेश्चन नंबर 5 है, जो वो क्वेश्चन नंबर 3 की जैसा है, फर्स्ट का 3 के जैसे ही है, उसको आप सॉल्व करेंगे और वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएंगे कि आपका आंसर कितना आ रहा है। ऑनेस्टी से एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, करके बताइएगा, बहुत बदमाश हो गए आप लोग, सॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, कमेंट किया करिए, जब क्वेश्चन दे रहा हूँ तो कमेंट करके उसको पिनअप कीजिए, कमेंट उसमें आंसर पिनअप कीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, इतना सब काम आपको करना है, करते नहीं हैं आप लोग, व्यू जाता है ज़्यादा, सब्सक्राइबर सारे एक भी नहीं बढ़ता, समझ रहे बात को, करते क्यों नहीं यार, किया करो कम से कम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है, इसको क्या करिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। स्टूडेंट यार, इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो कम से कम सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा शेयर करिए, तो आप ही के लिए सारा कुछ हो रहा है, और बच्चे जुड़ेंगे तो उनका भी कुछ हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करो कम से कम, ये मत सोचिएगा तो मैं धमका रहा हूँ, कल बोल देंगे सर धमका रहे थे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बस लैंग्वेज ही ऐसा है। इवैल्यूएट, एग्जांपल नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ठीक है,
फर्स्ट दिया आपका 5/2 टू द पावर 2 3 दिया, ठीक है, 5/3 टू द पावर 2 ये आपका क्वेश्चन दिया गया, आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों का बेस सेम है, कुछ लॉ याद है, लॉ पढ़ाए थे पिछले वीडियो में, याद है कुछ, बेस सेम होता है तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है। तो हमें पता है वी नो डैट ए अपॉन बी का पावर क्या होता है, एम होता है, इंटू ए अपॉन बी का पावर एन होता है। तो क्या हो जाता है, इंटू केस में ए अपॉन बी टू द पावर एम प्लस एन हो जाता है, हो जाता है ना। उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/3 टू द पावर 2 इंटू 5/3 टू द पावर 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5/3 टू द पावर 2 प्लस 2। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5/3 टू द पावर 4। तो इसका मतलब क्या, 5/3 का 4 बार गुणा कराओ, तो 4 बार गुणा कराओ तो मतलब क्या, 5/3 इंटू 5/3 इंटू 5/3 इंटू 5/3, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 इंटू 25 ये कितना आ जाएगा, 625। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 83 का 9 81 ये आ जाएगा आपको, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। आई होप कि समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे, 2 का सेकंड देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड ये दिया है कि 5/6 टू द पावर 6 इंटू 5/6 टू द पावर माइनस 4। दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो दोनों का जब बेस सेम होता है तो ये वाला फॉर्मूला होता है मल्टीप्लिकेशन के, पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, तो यही फॉर्मूला का यूज़ करके क्या करिए, आप सॉल्व करिए। तो देखिए सोल्यूशन इसका क्या आ जाएगा, 5/6 टू द पावर 6 इंटू 5/6 टू द पावर माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5/6 टू द पावर 6 प्लस माइनस 4। बात समझ में आ गया, पावर का ऐड हो जाएगा, जब पावर का ऐड होगा तो 5/6 यहाँ पे माइनस 4 ऐड होगा तो क्या बचेगा, बस 2 बचेगा। तो 5/6 का पावर 2 मतलब क्या, 5/6 इंटू 5/6, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/25 अच्छा अच्छा देखिए 36, तो 25/36 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि बातें समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड ये कितना आ जाएगा, 5/2/3 का पावर माइनस 3 इंटू 2/3 का पावर 2 ये कितना हो जाएगा, 2/3 का पावर माइनस 3 इंटू 2/3 का पावर 2। दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, ये कितना आ जाएगा, 2/3 टू द पावर माइनस 3 प्लस 2। अब ज़्यादा चलाकी मत करिएगा, निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव मत करने लगेगा, जब बेस सेम होता है तो वो सब नहीं करते हैं, जब बेस सेम नहीं रहेगा तब करेंगे। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पर बेस सेम है तो इसलिए कुछ पलटा पलटी नहीं करेंगे, निगेटिव को पावर को हम पॉजिटिव नहीं बनाएंगे, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये वैल्यू 2/3 माइनस 3 में से प्लस 2 गया तो क्या बचा, माइनस 1 बचा, माइनस 1 है तो इस पावर को पॉजिटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे ना तो 3/2 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, जब आंसर लिखेंगे तो उसका पावर पॉजिटिव होना चाहिए, तो पावर पॉजिटिव करेंगे तो यहाँ पर रेसिप्रोकल करेंगे 2/3 का, तो 3/2 आ जाएगा। बात समझ में आ गया, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड, एक क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, वो खुद से करेंगे और वो कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए ही चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्या दिया हुआ है, इवेलुएट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन दिया, तो ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन क्या इसका होगा, आपको पता है जब बेस सेम होता है तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाते हैं, ठीक है, पावर ऐड हो जाते हैं, और जब बेस सेम नहीं रहता है तो क्या करते हैं, उसको सॉल्व करके उसके बाद से कैंसिल आउट करके हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5/9 टू द पावर माइनस 2 इंटू 3/5 टू द पावर माइनस 3 इंटू 3/5 टू द पावर 0 दिया है, तो 0 दिया है, कोई भी चीज़ का पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5/9 टू द पावर माइनस 2 इंटू 3/5 टू द पावर माइनस 3, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि पावर 0 है, ठीक है। इसका पावर निगेटिव है, मतलब क्या, इसको पहले हम पॉजिटिव में कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों का बेस देखिए, दोनों का बेस क्या है, डिफरेंट है, तो यहाँ से कुछ वो वाली फॉर्मूला लगने वाला नहीं है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ पर लगने वाला नहीं है, तो क्या करेंगे, पहले इसके पावर को पॉजिटिव कर लेंगे। तो देखिए 5/9 का पावर इसका पॉजिटिव करेंगे तो रेसिप्रोकल कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, 9/5 टू द पावर 2, ये क्या हो जाएगा, 5/3 टू द पावर 3, पावर पॉजिटिव ऐसे ही। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 9 टू द पावर, ये क्या, इसको हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं स्टूडेंट, 9 टू द पावर 2 और 5 टू द पावर 2,
टू इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको भी इस तरीके से लिखते हैं, 5 to the power 3 और ये 3 to the power 3, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 9 to the power 2 मतलब क्या, 9 का 2 बार गुणा, 9 का 2 बार मल्टीप्लाई, 9 into 9 81, 5 का 2 बार गुणा, 5 into 5 25, into ये कितना हो जाएगा, 5 का 3 बार गुणा, 5 का 3 बार गुणा करेंगे तो 125 आ जाएगा, और 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या, जो कटने लायक कटा देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 25 का 3 बार में कट जाएगा, 25 में 50, 25 5 125, 5 टाइम में जाएगा, ठीक है 5 टाइम में। और इसको कटाएंगे तो हम क्या करते हैं, 9 से कटाते हैं तो 9 3 27, 9 81, फिर 3 से कटाते हैं तो 3 3 9, मतलब 5 3 15 आपका आंसर आ रहा है, ये कितना आ जाएगा, 15 आंसर आ रहा है इसका, ठीक है। आई होप कि बातें समझ में आया होगा जो भी कुछ मैंने सॉल्व किया यहाँ पे, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ तक बातें समझ में आ गया तो ये 15 आंसर हो जाएगा। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे, थर्ड का सेकेंड, इसको क्या करिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए पहले, ठीक है। देखिए ये सेकेंड वाला क्वेश्चन सोल्यूशन देखिए, -5 3/5 to the power -4 into -2/5 to the power 2, तो क्या करेंगे, दोनों का बेस तो सेम नहीं है तो पहले हम पावर को पॉजिटिव कर लेते हैं पहले, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, -5/3 to the power 4 हो जाएगा, इसकी जगह पे लिख सकते हैं, और ये -2/5 to the power 2, ओके। ये कितना हो जाएगा पावर, इसका देखिए इवन पावर है तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, इवन पावर होता है तो वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है। तो 5 to the power 4 ये कितना हो जाएगा, 5 to ये -5 to the power 4 divided by 3 to the power 4 into -2 to the power 2 divided by 5 to the power 2, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, काट भी सकते हैं चाहे तो, कैसे काट सकते हैं देखिए, सॉल्व करते हैं क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इसे हम क्या, तो ऐसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे क्या है, पावर 4 है, तो ये पावर 2 से मतलब 2 5 यहाँ कट जाएंगे, 2 5 यहाँ कट जाएंगे, बचेगा क्या यहाँ पे, बस 2 5 बचेगा, क्योंकि 2 पावर निकल गया तो बचा क्या, 2 पावर बस बचा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 के पावर 2 का मतलब क्या, 25, नेगेटिव तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इनटू ये कितना हो जाएगा, -2 into -2 मतलब क्या आएगा, 4 वैल्यू आएगी, डिवाइडेड बाई 3 to the power 4 मतलब क्या, 3 into 3 into 3 into 3, बस समझ में आ गया, 25 चौके 100, और ये कितना आ गया, 81 आ जाएगा, तो 100/81 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो क्या करिए, -5 को यहाँ पर 4 बार गुणा करा के लिखिए, -5 को 2 बार यहाँ पे गुणा करके लिखिए, फिर 5 से 5 कटेगा, 2 5 कट जाएगा, बचेगा बस 2 5, तो 5 और 25 आ जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया है, कुछ नहीं किया, आ गया 4, और इस तरीके से करके सॉल्व हो गया। आई होप कि आपको ये बात समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको क्या करिए, वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया है, इवेलुएट करना है। तो देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा, बेस टू दी पावर फिर उसका पावर इस तरीके से दिया रहेगा, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखिए कुछ भी दिया हो, एक फॉर्म ये याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये a/b का पावर n m हो, फिर इसका पावर क्या हो, n हो, फिर इसका पावर क्या हो, कुछ भी हो, p हो, तो इन सबका जितना पावर में दिया रहता है ना, पावर होता है, इन सबका मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, मतलब a/b इंटू एम इंटू एन इंटू पी, कुछ भी दिया रहेगा, पावर का पावर चलता रहेगा तो क्या होगा, पावर का बस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, बेस टू दी पावर का मल्टीप्लीकेशन, जितना भी पावर दिया रहेगा, तो ये वाला फॉर्म ये बनता है। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं होगा, बस क्या होगा, -2/3 का पावर का मल्टीप्लीकेशन, 2 into -2, बस सॉल्व कर दीजिए, 2/3 इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 into -4, 2 into 2 -2, तो ये क्या हो जाएगा, -4 आ जाएगा। जब -4 आ जाएगा यहाँ पे क्या करेंगे, पावर को पॉजिटिव करेंगे तो रेसिप्रोकल कर देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3/2 to the power 4, बस इसको इंटू करा दीजिए, -3/2 -3/2 -3/2 -3/2, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो -(-)+(-)+(+)+(+)+ आएगा, और इसको 3 3 9 और 3 3 9, तो 9 9 81, और ये कितना आ जाएगा, 2 2 4 4 2 ये 2 2 4 16, मतलब 81/60 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका भी वही फॉर्म है, कुछ नहीं है तो क्या आएगा, 1 -1/3 का
टू इंटू माइनस टू इंटू माइनस वन, पावर का सारा मल्टीप्लीकेशन, माइनस वन अपॉन थ्री, यहाँ पर क्या आएगा माइनस फोर, टू इंटू माइनस टू, माइनस फोर इंटू माइनस वन, तो क्या आएगा फोर आएगा बस। यहाँ पर क्या आएगा माइनस वन अपॉन थ्री, माइनस वन अपॉन थ्री, माइनस वन अपॉन थ्री, माइनस वन अपॉन थ्री, तो इसको माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये कितना आ जाएगा वन अपॉन नाइन इंटू वन अपॉन नाइन, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वन अपॉन एट्टी वन, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा स्टूडेंट, और क्वेश्चन नंबर फोर का जो है लास्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर थ्री का भी लास्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, नहीं तो वही काम हो जाएगा मैं कर दे रहा हूँ आप छाप देंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा तो थोड़ा सा आप खुद से भी ट्राई करिए, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आंसर पिनअप चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी जो क्वेश्चन दिए रहेंगे उसको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो से वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, तो आपको न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन जाता रहेगा। तो जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे, पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहिए।